नमस्कार दोस्तों, ये एक ऐसा चैनल आज के टाइम पे बन चुका है जिसमें आपको पूरे हफ्ते की न्यूज एंटरटेनमेंट के साथ मिलती रहेगी, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों से रिलेटेड। तो कर लीजिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, और पीछे चीजें ऐसे कुछ मैसेज वगैरह हैं क्योंकि दीज थिंग्स ओनली गेट मी गोइंग। सो सबसे पहले न्यूज आ रही है महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा ने अपनी XUV 700 और थार, मतलब कि वो ही दोनों गाड़ी जो उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलर है एक्सेप्ट स्कॉर्पियो, तो उन दोनों गाड़ियों को उसने बुला लिया है, वापस रिकॉल कर लिया है। उसमें भी एक XUV 700 डीजल ऑप्शन को और थार में दोनों ही पेट्रोल और डीजल ऑप्शन को, जिसमें टर्बो चार्जर वाली प्रॉब्लम आई थी। रिकॉल है वो मैंने आपको बता ही दिया कि सिर्फ और सिर्फ टर्बो चार्जर के एक कंपोनेंट है जिसे कहते हैं टर्बो चार्जर एक्वेटेटर लिंक, उसमें एक इश्यू आ रहा है, सिर्फ उसी के लिए एम किया गया है इस रिकॉल को। पेट्रोल वाले ऑप्शन की जो थार में है उसमें अगर हम बात करें तो ऑटो टेंशनर और बेल्ट को चेंज करने की बात की जा रही है, और जबकि 700 XUV 700 जो पेट्रोल वाला वर्जन है उसमें हमें टर्बो चार्जर एक्टुएटर लिंकेज जो एक कंपोनेंट होता होगा उसमें, उसकी और चेंज करने की बात की जा रही है। सबसे अच्छी चीज है इसमें कोई भी कंज्यूमर को या कस्टमर को कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी उसमें चेंज है, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो चेंज हो जाएगा। और एक और चीज, अगर आपको ये जानना है कि आपकी गाड़ी उस जो रिकॉल वाला सिस्टम है उसमें आती है नहीं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और अपना VIN नंबर डालना है फटाफट, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी को रिकॉल में जाना है या नहीं जाना। एक और ऑल्टरनेट ऑप्शन आपके पास, सीधा आप अपने जो भी नियरेस्ट डीलरशिप है उसे कॉल करो, कॉल करके पूछो कि आपका जो व्हीकल है वो रिकॉल वाले सिस्टम में आता है या नहीं आता है। लाइट्स थोड़ी एडजस्ट। अगला जो केस है वो आप सभी को पता होगा, रियर जो बेल्ट वाला है, रियर में आपको बेल्ट लगानी पड़ेगी। वो आप सबको पता है कि किस तरीके से आया था भाई, जो हमारे टाटा सन्स के कैप्टन थे उनकी डेथ रियर बेल्ट ना लगाने की वजह से हुई थी, वो भी इतनी बड़ी ब्रांड में, मर्सिडीज जैसी ब्रांड में। तो उसी को देखते हुए, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि मौत जो डेथ है वो किसी भी एक बड़ी पर्सनैलिटी या छोटी पर्सनैलिटी को देख के नहीं आती, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को देख के नहीं आती है, सेफ्टी मेजर्स उस गाड़ी में जरूर होने चाहिए, प्लस आप भी उन सेफ्टी मेजर्स को अपने वर्क में या फिर उन्हें फॉलो कर रहे हो, तो यही आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो आप सभी को पता है कि नितिन गडकरी जी ने इस केस पे मामला देखा और 1000 रुपीज़ का जो फाइन है, चार्जेस हैं, वो भी लगाए गए, ठीक है। और फिर एक और पहल हुई कि ओला और उबर के जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने भी इन्फोर्स करना स्टार्ट करा, जो कस्टमर्स पीछे बैठते हैं उन्हें बोलना स्टार्ट किया कि भाई सीट बेल्ट लगाओ। और एक और बात है, काफ़ी जो पहले सीट कवर्स आते थे उसमें जो सीट बेल्ट थी वो छुप जाया करती थी, वो दिखती ही नहीं थी, तो अब वो भी सीट कवर्स को हटाओ या उन्हें बाहर निकालो, जो भी है आपको रियर में ही सीट बेल्ट लगानी ही होगी। और फर्स्ट डे पे पूरे 17 कोर्ट चलान हुए हैं एक्चुअल में 1000 रुपीज़ में, 12 खंबा रोड अपने जो CP दिल्ली में आता है, कॉनर्ट प्लेस। नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है हमारी इंडियन ब्रांड की आती है टाटा की तरफ से। जो टाटा नेक्सॉन EV है उसने एक रिकॉर्ड बना लिया है, जो फर्स्ट EV इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बन चुकी है पूरे इंडिया में, जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे जा पाए, जो कि हिमालयाज में है, उमलिंगा ला पास। तो ये एक EV के लिए, वो भी अपनी कंट्री की है, उसने एक रिकॉर्ड बनाया है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो उमलिंगा ला पास है वो 19,024 फीट की हाइट पे है सी लेवल से, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कहीं ना कहीं हमारी इंडियन ब्रांड के लिए और एक EV सेक्टर के लिए भी, जो इंडिया में अपकमिंग बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर। जो न्यूज़ आती है वो है ग्रैंड विटारा, जो मारुति सुजुकी की नई अपनी क्रेटा सेल्टोस वाली कॉम्पिटिटर है उससे लड़ने आ रही है, उसकी डेट रिवील हो चुकी है कि वो कब रिवील होने वाली है, कब उसके प्राइसेस हैं जो लॉन्च होने वाले हैं। रिवील तो आपने फोटोज वगैरह में देख ही लिया होगा, बट जो उसके लॉन्च डेट है, जो प्राइसेस वगैरह है, वो कब आएंगे, उसकी डेट निकली है 26th of September, जो अभी जल्द आने वाली है, तो क्या आप उसका वेट कर रही हैं। और एक और चीज़, 55,000 ऑलरेडी इस गाड़ी के लिए बुकिंग्स आ चुकी हैं मारुति सुजुकी के पास। एक और बात चलाई जा रही है कि कुछ वेरिएंट्स में तो ग्रैंड विटारा में अप टू 5 मंथ्स तक की जो वेटिंग पीरियड है वो चलेगा, तो ये क्यों महिंद्रा की तरफ जाने वाली है ये चीज़ मुझे नहीं पता। 5 मंथ्स इज अ ग्रेट डील फॉर अ मारुति सुजुकी कार। जो न्यूज़ है वो है टेस्ला की तरफ से। टेस्ला के एक ओनर ने, जो कि कनाडा से हैं, उन्होंने एक वीडियो या रील टिकटॉक टाइप बना के इंटरनेट पे अपलोड किया, जिसमें बताया उन्होंने कि
जो अंदर की बैटरी है वो डाई हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी थी एकदम, और वो चार्ज नहीं हो रही थी, ठीक है, और गाड़ी के बाहर ही वो लॉक हो चुके थे। इस बैटरी को रिप्लेस करने के लिए अगर कॉस्ट बताऊं मैं इंडियन रुपीस में, तो वो है 15 लाख रुपीस, और वारंटी से ऑलरेडी गाड़ी आउट हो चुकी है। तो टेस्ला वाले भी नहीं कह रहे कि हम ये प्रोवाइड आपको करेंगे, हम बैटरी चेंज करेंगे। तो ओनर ने यही सोचा है कि भाई अब इस गाड़ी को है सेल आउट किया जाए बिना 15 लाख रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किए। वो तो हमारे लिए 15 लाख रुपीज़ CAD में, कैनेडियन डॉलर्स में कुछ और बनेगा वो, तो 15 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स अमाउंट आ रही है इंडियन रुपीज़ में, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाती है वो। दो जो मेन है जो टेस्ला के इस ओनर ने टेस्ला पे क्लेम्स लगाए हैं कि सबसे पहले उनका खुद का सिस्टम ठीक नहीं था, ये पहले भी बैटरी वारंटी से पहले भी हो सकती थी, इसमें इशू आ सकता था, जो कि वेंटिलेशन से रिलेटेड है कि वहाँ तक प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर हीटिंग सिस्टम नहीं था, इसलिए वो बैटरी इतनी ज़्यादा जल्दी डाई हो चुकी है। प्लस उन्होंने एक और क्लेम लगाया है कि इस वीडियो, इस रील के बाद उन्हें जो ओवर द अपडेट्स इन गाड़ियों को दिए जाते हैं, तो टेस्ला ने वहाँ से अपडेट्स बंद कर दिए, ऐसा उन्होंने क्लेम लगाया है, और अपने ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स वो नहीं ले पा रहे हैं इसी वजह से, टेस्ला की वजह से, जबकि वो उसे सेल आउट करना चाहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं ओनरशिप वाली। तो ये ऐसा टेस्ला को नहीं करना चाहिए, बट वो कर। तो आगे अब हम इसी वीडियो में बढ़ रहे हैं, तो इसमें है कुछ ऐसे नॉनसेंस न्यूज़, इतनी ही नॉनसेंस जितने आपकी गाड़ी में दिए हुए DRLs हैं इंडिया में। वो आपको शायद देखने में अच्छे लगते हो, वो आपको यूज़ करने में, दिखाने में किसी को अच्छे लगते हो, बट वो आपके कितने यूज़फुल है वो आपको भी पता है। तो आइए उन्हीं न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एलिफेंट ने ये वीडियो आ रही होगी, ये हाथी एक सेंट्रो से खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये सेंट्रो पुराने वाली सेंट्रो है, और जितने भी अपने दिल्ली में सेंट्रोज हैं जो 10 साल रूल के बाद यहाँ से हट जानी चाहिए थी दिल्ली से, और आज के टाइम पे उन्हें कुछ पुलिस वाले चला रहे हैं, तो वो भी इन्हीं हाथियों को खिलौने के रूप में दे दी जाए तो बेटर है। कितनी बकवास बात थी, उतनी जितनी आपके गाड़ी में DRLs हैं। अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, मतलब जो अपने इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रपोजल रखा है कि जितने भी अभी यूज्ड कार मार्केट में डीलर्स बैठे हैं, उन्हें जो गाड़ी है उसका ओनर बना दिया जाए, और बना सकते हैं। ये बात शायद आपके भी थोड़ी सी समझ के परे हो, बट इसमें क्या प्रपोजल है एक्चुअल में वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी यूज्ड कार डीलर के पास अगर कोई भी अपनी गाड़ी सेल करने जाता है, तो वो गाड़ी की ओनरशिप जो सेलर है उसके पास तब तक रहेगी जब तक उसे कोई बायर नहीं मिल जाता। तो गाड़ी उसके पास खड़ी है, चाबी उसके पास है, क्योंकि वो दिखाता है लोगों को, रोड पे भी उतरती है गाड़ी, बट सेलर जो है उस पर सारा रिस्क है, क्योंकि नाम गाड़ी उस पर है। तो अब ये प्रपोजल निकाला जा रहा है, इतने गाड़ी यूज्ड सेलर जो एजेंट है उसके पास रहे, उसके नाम पे हो जाए, चाहे वो कितना ही छोटा डीलर हो, कितना ही बड़ा डीलर हो, तो उसके नाम पे गाड़ी होनी चाहिए। तो एक जस्ट अ प्रपोजल है, अभी कोई रिफॉर्म आया नहीं है, और अगर आएगा तो ऑनलाइन बहुत इजी प्रोसेस कर दी जाएगी इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट न्यूज़ है, जो साइरस मिस्त्री हैं जो टाटा के, मैंने आपको बताया था, उनकी तरफ से एक और न्यूज़ आई है, मतलब उनकी न्यूज़ नहीं आई है बट उनसे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। जिस हाईवे पे, मुंबई से अहमदाबाद वाला वो हाईवे था, 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इस पर बताया जा रहा है इसी ईयर में, ये इतना मनूस स्ट्रेच है, इतना मनूस स्ट्रेच है ये 100 किलोमीटर्स का, कि इसने टोटल 60 जाने ले ली हैं इस स्ट्रेच ने, काफ़ी दुख की बात है। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए यहाँ पे, स्पीड लिमिट करनी चाहिए यहाँ पे, और ज़्यादा जो साइन बोर्ड्स हैं वो यूज़ करने चाहिए, और लाइट्स वगैरह अगर कम है तो वो भी ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए इस स्ट्रेच पे स्पेशली, क्योंकि 60 लाइफ सिर्फ इसी स्ट्रेच पे ली गई हैं एक साल के अंदर, विच इज़ टू मच। जो न्यूज़ है वो है महिंद्रा की तरफ से, अगेन महिंद्रा ने XUV700 के प्राइजेस इस साल में तीसरी बार बढ़ा दिए हैं, और 39,000 तक आपको कुछ वेरिएंट्स पे प्राइसेस बढ़े हुए दिखेंगे। तो गाड़ी के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, अगर आपको अभी भी चाहिए गाड़ी फ्यूचर में, और आपको नहीं चाहिए और ज़्यादा मैं प्राइस दूँ, आप वेट कर रहे हैं कि कम प्राइसेस होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको गाड़ी ले लेनी चाहिए जल्द से जल्द। आपको एक और खतरनाक न्यूज़ देखने को मिल सकती है, जो कि कन्फर्म होगी, अभी इतना प्रपोजल टाइप ही है ये। होंडा ने ये चूज़ किया है कि वो अपने डीजल इंजन्स, जैसे मारुति सुजुकी ने किया, डीजल इंजन्स को बंद कर दिया जाएगा, और इसमें जो गाड़ियाँ रहेंगी वो आप सभी को पता है, सिटी, होंडा सिटी, WRV, अमेज, ये तीनों ही गाड़ी अफेक्टेड होंगी, और इन तीनों से डीजल इंजन छीन लिए जाएंगे।
तो अगर आपको डीजल इंजन अभी इन गाड़ियों में चाहिए तो आप जाके जल्दी से डीलरशिप पे ले सकते हैं। अगली न्यूज आ रही है इंडिया के होम ग्रोन ब्रांड से, जो कि है ओला। ओला के सीईओ ने पूछा होगा अपने सोशल मीडिया पे कि आप बताओ कि ओला के स्कूटर में आपको कौन से एसेसरीज चाहिए, तो लोगों ने पता क्या जवाब दिया, फायर एक्सटिंग्विशर। क्योंकि वीडियो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही थी ओला स्कूटर्स की कि कहीं पे आग लग रही है, बैटरी में आग लग रही है, आगे आग लग रही है, तो लोगों ने यही मांग लिया कि भाई उस आग को बुझाने के लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर दे दीजिए। ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसे कट कट करके आपको मिलेगी ये वीडियो। और अगर आपको थोड़ी सी भी न्यूज पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। जैसे जैसे ये न्यूज एक्यूमुलेट होती रहेंगी मेरे दिमाग में, मैं एकदम बॉम्ब फोड़ दूंगा आपके ऊपर। तो कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू। करते हैं इस वीडियो को कट।